यूपी में योगी की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। योगी की जीत के जश्न में युवाओं ने बुलडोजर के टैटू बनवा लिए हैं। अब एक प्रशंसक ने उनका 3000 वर्ग फीट के का चित्र बनाया है। चित्र के साथ बुलडोजर भी है जो योगी की पहचान बन चुका है। ये कलाकारी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में की गई है। इस विशाल चित्र को बनाने वाले कलाकार सुमित कुमार वर्मा योगी के बड़े प्रशंसक हैं। स्केच गुरु के नाम से विख्यात वर्मा का ये चित्र देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सुमित ने 4 दिन और रात मेहनत करके ईंट, कोयला, मोबिल ऑयल और चूने से ये कलाकृति बनाई है। जी, मेरा नाम आर्टिस्ट सुमित कुमार स्केच गुरु है। और जी, मैंने ये जो स्केच बनाया, इसकी प्रेरणा मुझे मेरे नाना जी से मिली है जो कि आर्ट किया करते थे। बाकी ये था मेरा मोटिव कि जो भी इस टाइम पे नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा तो मैं उनकी फ़ोटो अपने अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जो है उनकी एक स्केच ड्रॉ करूँगा। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट रहेगा जो, और जिसको मैंने काफ़ी मेहनत करके, 4 दिन की मेहनत लगी जिसमें मैंने दिन रात एक करके स्केच को ड्रा किया हुआ है। तो इसके साथ आपने एक बुलडोज़र भी ड्रॉ किया है। एक्चुअली इस टाइम पे उनका नाम जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बुलडोजर बाबा नाम के नाम से। सो मैंने इसीलिए जो है बुलडोजर को भी बनाना अनिवार्य समझा, और ऐसे ही उनका बुलडोजर चलता रहे 5 सालों तक भ्रष्टाचार के खिलाफ। जी, इनकी माता जी हमारी कुछ क्लोज फ्रेंड्स में हैं, तो वे एक दिन हमारे पास आई हुई थी, वो लगभग 3 साल पहले। तब उन्होंने ये बात चलाई कि सुमित जो मेरा लड़का है वो बहुत आर्ट में बहुत आगे जाना चाहता है, और लेकिन गांव में मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने हमसे कहा कि मैम, मैं यहाँ पर जो भी भावी मुख्यमंत्री होगा मैं उसका कोई यहाँ पर पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, क्या मुझे इसके लिए आप परमिशन देंगे? तो मैंने कहा ये स्कूल परिसर है, विद्यालय परिसर है, ये सभी के लिए है, और आपके लिए स्पेस अगर आपको पर्याप्त लग रहा है तो आप बेफिक्र होकर के यहाँ पर बनाइए, और मैं आपको इस कला में और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपका अभी यूपी लेवल पे, इंडिया लेवल पे और उससे भी आगे का मैं सपना देख रही हूँ।